हेलो दोस्तों, तो आंसर की देखने के बाद में छात्रों के कमेंट आ रहे हैं, उसके आधार पर मैं अभी बताने वाला हूं कि आपको एग्जैक्ट एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी आज तक मैंने जो भी कट ऑफ बताई है ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा है, एक दो नंबर का ही रहा है, 5-6 नंबर का कभी नहीं रहा है, एक दो नंबर का ही डिफरेंस रहा है। तो उसी के आधार पर बताने वाला हूँ। और मैं कट ऑफ कैसे बताता हूँ, जो टेस्ट बुक होते हैं ना वहाँ पर सबसे ज़्यादा छात्र एग्जाम कहाँ देते हैं, टेस्ट बुक पर ही देते हैं। आप में से बहुत छात्र हो गए तो टेस्ट बुक पर एग्जाम देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे किसी ने छात्र ने एग्जाम दिया तो उसके 73% बने, परसेंटेज नहीं परसेंटाइल बने, 70% बने, तो ऊपर वाले सारे छात्रों को निकाल लेता हूँ कि हाँ इसके 70% बने और ये 20,000 भी इसकी रैंक है, इसकी रैंक कितनी, 20,000 भी रैंक है और इसके 70% बने। तो मान लिया ये 20,000 वाले जितने छात्र हैं ना सारे के सारे वो शामिल है, यानी 30% छात्र क्या हो गए, सारे शामिल हो गए इसमें। जैसे 800 वैकेंसियाँ हैं तो इसका 20 गुना 15 गुना जो भी बुलाएंगे तो कितना हो गया, 15 से 20 हज़ार जनों, 20,000 जनों क्या फिजिकल में बुलाएंगे, है ना। तो 15 से 20 हज़ार जनों को फिजिकल में बुलाएंगे तो उसके आधार पर मैं देख लेता हूँ टेस्ट बुक में परसेंटाइल कितना है और एग्जैक्ट कट ऑफ सही रहती है ये आंकड़े देखने के बाद। तो ये एनालिसिस करने के बाद अभी आपको मैं बता रहा हूँ, हालांकि क्लियर हो जाएगा थोड़े दिनों में ये, बाकी अभी जो बता रहा हूँ देख लेना आप रिजल्ट, देख ये वीडियो यहीं पड़ा रहेगा लिस्ट में, रिजल्ट आने के बाद देख लेना कट ऑफ इतनी ही जाने वाली है, इससे ऊपर नहीं जाएगी कम ही रहेगी, ठीक है। तो आज मैं ऊपर नहीं जाएगी कम ही रहेगी वो बता रहा हूँ। यू आर हो गया सबसे पहले, उसके बाद में ई डब्ल्यू एस मान लिया, ई डब्ल्यू एस, ओ बी सी, एस सी एस टी, एस सी एस टी, एस सी एस टी की कितना, वो सब देखो, इससे 2-5 नंबर कम कर लेना, आंसर की मिला ली। इसमें कट ऑफ कम रहने का एक रीज़न होगा, सबसे बड़ा रीज़न होगा माइनस मार्किंग वाला, माइनस मार्किंग आधा नंबर, माइनस मार्किंग बहुत ही बड़ी बात है, आधा नंबर माइनस मार्किंग। तो आ जाते हैं सबसे पहले जनरल में, जनरल की कट ऑफ कितनी रहेगी, अगर आपके 63 नंबर से 66 इतना स्कोर बन रहा है, इससे ऊपर किसी भी हालत में जनरल की कट ऑफ नहीं जानी है, 63 से 66 इसके बीच में आपका रो स्कोर अभी बन रहा है तो आप बिल्कुल भी सेफ हो जनरल वाले, ठीक है। और रही बात ओबीसी की, ओबीसी यहाँ लिखना चाहिए मेरे को, ओबीसी, ओ बी सी, यहाँ के ई डब्ल्यू एस, ई डब्ल्यू एस, ओबीसी की कितनी रहेगी, ओबीसी की मान लो आप 60 से ज़्यादा डिफरेंस इन दोनों में रहता नहीं है, 60 से 64 इसके बीच में रहेगी ओबीसी की, 60 से 64 ये ओबीसी की कट ऑफ रहने वाली है। और ई डब्ल्यू एस की मान लो आप 56 से 60 के बीच में आपके यहाँ ई डब्ल्यू एस की कट ऑफ ये रहने वाली है, 56 से 60 के बीच में ई डब्ल्यू एस की इसमें कट ऑफ रहेगी। और नॉर्मलाइजेशन अभी बाकी है, नॉर्मलाइजेशन देखो इस बार जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो ज़्यादा नहीं होगा, आपके 5 नंबर तक ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाले, 5 नंबर कम बेसी ये होने वाला है, बाकी इससे ज़्यादा उम्मीद मत लगाना बिल्कुल भी। और नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा बस वो ठीक है कि आप मन से मन उम्मीद जोड़ लेते हो, एस सी एस टी इससे 2-5 नंबर कम कर लो, 50-52 से कर लो, 52 से 56 एस सी एस टी इनकी ये रहने वाली है। तो जैसे ही आपका रिजल्ट आए उसके बाद देख लेना आपका, अगर इनमें से इनके बराबर नंबर आ रहे हैं तो अभी आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये इतने भी नंबर आए इससे ज़्यादा आ रहे हैं तो आपके लिए बहुत खुशी की बात है, और इतने भी आ रहे हैं ना तो आप उसके बाद टाइपिंग के भी अलग से नंबर जुड़ेंगे तो फाइनल में आपका शायद तक हो सकता है, फाइनल में हो सकता है, क्योंकि टाइपिंग में अगर आप अच्छी कर लोगे तो आपके जुड़ जाएंगे नंबर, ठीक है। तो अपना बेस्ट तैयारी करते रहिएगा, इसमें जो फिजिकल है वो थोड़ा इतना हार्ड नहीं है, फिजिकल की तैयारी अच्छे से बेस्ट तैयारी कीजिए, और टाइपिंग वाला थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि टाइपिंग बहुत ही इसका सबसे पहले क्या होगा, इसका जो ये रिटन एग्ज़ाम हो गया, रिटन एग्ज़ाम के बाद में फिजिकल, फिजिकल के बाद में टाइपिंग टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट के बाद में कंप्यूटर टेस्ट, ये 4 चीज़ें होने वाली है। तो काम इतना आसान नहीं है आपका, बहुत ही ज़्यादा इसमें तैयारी करना पड़ेगा आपके लिए, टाइपिंग में बहुत ज़्यादा छंटने वाला है, इसमें मेन परीक्षा आपके वहाँ होगी, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, जय हिंद जय भारत। और आपका एक दूसरी बात यह है कि
आपका जितना भी स्कोर बन रहा है, कितना बन रहा है, क्या बन रहा है, नॉर्मलाइज के बाद में वो तो अभी बता नहीं, बाकी जितना भी स्कोर बन रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक एप्लीकेशन है गूगल पे, अभी वो पता नहीं, वो एप्लीकेशन नहीं बोलूँगा मैं इसको, वेबसाइट, उस पर शायद रैंक आईक्यू नाम की इस टाइप में कुछ होगी, लेकिन उसका डाटा आज तक सही हुआ है मेरे अकॉर्डिंग, उसका जितना भी है वो सही हुआ। अभी उन्होंने इसका शायद दे रखा है, नहीं दे रखा है मेरे को नहीं पता है। उसमें क्या होता है कि जैसे आप आंसर की डालोगे ना, आपको रो मार्क्स दिखा देंगे, नॉर्मलाइज मार्क्स दिखा देंगे, उससे भी एक दो नंबर ऊपर नीचे होता है, बाकी वो सही बताती है। आज तक मैंने देखा है, CGL का भी देखा है, MTS का भी देखा है, GD का भी देखा है, एक दो नंबर ऊपर नीचे होते हैं, बाकी सही हुआ है आज तक उसी का, उस एप्लीकेशन का। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।